माजरा ये है कि पुलिस इंस्पेक्टर जो घर पर आए हैं, जब हमने पीछा किया आलिया रोशनी को ले गई थी गन पॉइंट पे घर से, और हमने भागते भागते पीछा किया तो एक क्लिफ पर ले गई थी एंड वहाँ पे कुछ शूटिंग वूटिंग होती है एंड शी फॉल्स। लेकिन कहीं ना कहीं एक होप अलाइव है कि यू नो शायद वो गिर के बच गई होगी या जिंदा ही होगी। अभी पुलिस ढूंढ कर आई है और उसने हमें बोला कि शायद अब रोशनी हमारे बीच में नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं पीयूष एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि वो नहीं है। जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो, कोई आपके बहुत करीब होता है, तो आप चाहते हो कि कुछ भी करके मैं बस उसे वापस ले आऊँ। तो कहीं ये एक बिलीफ है दिमाग में कि नहीं, अभी भी रोशनी वहीं कहीं है, खो गई है और पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है, तो मैं ढूंढ कर लेके आऊँगा अपनी रोशनी को। एंड सबसे ज़्यादा अगर ज़िंदगी में प्यार किया तो रोशनी से किया, और उठाकर शादी की उससे, सात तो फेरे मैंने उसे उठाकर लिए थे। तो आई थिंक उसका जाना एक बहुत बड़ा सदमा है पीयूष के लिए, और उस सदमे में थोड़ा सा दिमागी संतुलन बिगड़ गया और मैंने अपने हाथ भी काटने की कोशिश की लेकिन घर वालों ने रोक लिया। बेसिकली मैं ये उनको थ्रेट दे रहा था कि मैं हाथ काट लूँ अगर आपने मुझे जाने नहीं दिया, वो रोक रहे थे मुझे एंड फाइनली उन्होंने मुझे पकड़ के बांध दिया। सो या ऑब्वियसली माँ को ज़्यादा ही दर्द होता है क्योंकि बच्चे का दर्द भी उसको देखना होता है और संभालना भी उन्हें होता है। और रोशनी उनके लिए एक बेटी जैसी थी, बचपन से हम दोनों साथ में ही बड़े हुए थे और माँ जब काम करती थी वहाँ पे, सो हम दोनों को उन्होंने बड़ा किया। तो एक तरफ बच्ची को खो दिया उन्होंने और दूसरा जो बेटा है वो भी धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो रहा है, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दर्द की बात है जो हुआ है। एंड इसीलिए आई थिंक शी इज़ वेरी सैड।